Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic errors. In my last period, I had completed article about a and n. It means indefinite article. So let me continue our articles. And second point is a definite article. Definite article is the. Definite article is the. So it indicates that a noun is particular and definite. वो क्या बताता है हमको कि noun particular है और वो definite है. वो बताता है the article. So first of we will discuss about the article. When we use the article, the article क्यों कब हम use करेंगे. एक तो वन एंड ओनली वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की कोई एक में पार्ट की बात कर रहे हैं तब उसके वो पार्ट के आगे द आर्टिकल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल द हेड, हम बोलेंगे द हेड, द नेक, द बैकबोन. तो ये सब हम बॉडी के पार्ट के आगे भी आर्टिकल द यूज करेंगे. ओके, सेकंड पॉइंट इज वन एंड ओनली वन इन योर होम. आपके घर में कोई एक मेल चीज होती है उसके आगे द. सीलिंग है तो द सीलिंग, द फ्लोर, द मेन गेट. मेन गेट भी एक होता है. तो ऐसी एक मेल चीज होती है उसके लिए आर्टिकल द. वन एंड ओनली वन इन योर क्लासरूम, तुम्हारे क्लासरूम में कोई एक मेल चीज होती है उसके आगे द आर्टिकल. द ब्लैक बोर्ड, द डस्टर, द मॉनिटर. मॉनिटर एक होता है. वन एंड ओनली वन इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कोई एक नई चीज होती है. हेड मास्टर एक होता है तो द हेड मास्टर, द स्कूल बेल. ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल है. इतना सारा लिखने में पूरा नहीं होगा इसलिए मैंने आपको मेन मेन पॉइंट लिखवाया है. तो वन एंड ओनली वन इन योर स्कूल क्या है. स्कूल में आपको देखने क्या मिलता है, हेड मास्टर होते हैं बराबर. फिर बाद में होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, स्कूल बेल, ये सब स्कूल में दिखाई देता है. वन एंड ओनली वन इन योर प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में. द थर्ड एम्पायर, द गोल पोस्ट, ये सब खेल के मैदान में दिखाई देते हैं. द फर्स्ट ऑफ गेम भी लिख सकते हैं. द मैच पॉइंट, ये सब खेल के मैदान में होते हैं. वन एंड ओनली वन इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होती है कॉलेज की, वहाँ पे जो चीज़ एक में होती है उसको उसके आगे आर्टिकल. स्कूल में वाइस चांसलर होते हैं सो बिफोर द वाइस चांसलर वी पुट आर्टिकल द वाइस चांसलर, द हेड ऑफिस, ओके एटसेट्रा. वन एंड ओनली वन इन योर सिटी, आपके शहर में कोई एक में वो चीज़ है इसके आगे आर्टिकल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं. द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ए एक होते हैं इसलिए आर्टिकल द. सिटी में मेयर होते हैं तो द मेयर ऐसे लिख सकते हैं. द एमएलए, ओके. तो जो एक मेयर चीज़ होती है इसके आगे द आर्टिकल होता है. वन एंड ओनली वन इन योर स्टेट, आपके राज्य में ऐसे होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं. चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, ये सब एक ही होते हैं. वन एंड ओनली वन इन योर कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो एक चीज़ होती है. द हाई कोर्ट होती है, द सुप्रीम कोर्ट होती है, द जज होते हैं, ये सब एक होते हैं. वंस इन अ लाइफ, जीवन में एक बार आता है. क्या आता है, द डेट ऑफ बर्थ, एक बार ही जन्म होता है. द डेट ऑफ डेथ, द फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, एक बार ही आती है. वन एंड ओनली वन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, ध्यान में रखना है, बहुत सारा पूछते हैं. तो द ताजमहल, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस उसके आगे आएगा द आर्टिकल. द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसी बहुत सारी जो इमारत है उसके आगे आर्टिकल द. ओके, वन एंड ओनली वन रिवर्स एंड ओशियंस, कोई भी रिवर्स हो उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है. ओशियन उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है. द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द अरेबियन सी, द अटलांटिक, मतलब कोई भी सी है महासागर उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है. वन एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड,
दुनिया में कोई एक में वह चीज़ होती है उसके आगे आर्टिकल द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एक ही होती है, द यूनो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके आगे भी आर्टिकल द होता है, द ब्रिटिश एयरवेज एक ही होती है, द इंडियन एयरफोर्स उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है, वन एंड ओनली वन इन यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड में कोई एक मीव चीज़ होती है, द सन द मून द स्टार, तो इसके आगे भी आर्टिकल क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल है जिसके आगे आर्टिकल द लगता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वन एंड ओनली वन डिरेक्शन, डिरेक्शन मतलब दिशा होती है, कास्ट होती है, रिलीजन उसके आगे आर्टिकल द, द नॉर्थ द साउथ द ईस्ट द वेस्ट द हिंदू द सिख, कोई भी जाति के आगे द सिख द मुस्लिम द कुरान द गीता द बाइबल द गुरु ग्रंथ साहिब द पारसी द ब्राह्मीण, तो जाति के इट मीन्स कोई कास्ट के आगे, कोई डिरेक्शन के आगे और रिलीजन के आगे भी आर्टिकल द लगता है। वन एंड ओनली वन हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स के आगे द आर्टिकल लगता है, द इंडिपेंडेंस डे द रिपब्लिक डे द गल्फ वॉर द वर्ल्ड वॉर इसके आगे भी आर्टिकल द। वन एंड ओनली वन ऑर्डिनल नंबर होते हैं दोस्तों, याद रखना, ऑर्डिनल नंबर मतलब क्रमिक संख्या, फर्स्ट बॉय लास्ट गर्ल द नेक्स्ट एपिसोड ये सब के आगे आर्टिकल द लगता है। वन एंड ओनली वन प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन के आगे भी जो क्वालिफाइड एडजेक्टिव को करते हैं तो लगाना, द ग्रेट किंग द समुद्र गुप्ता द ब्रेव मैन हेरिकल्स द ब्रेव मैन, तो अगर जो प्रॉपर नाउन अगर कोई एडजेक्टिव से क्वालिफाइड होता है तो ही आर्टिकल लगाना। वन एंड ओनली वन जो बुक है एक में, वैसे जो बाइबल है गीता है कुरान है इसके आगे आर्टिकल द लगता है, पवित्र ग्रंथों के आगे द आर्टिकल। वन एंड ओनली वन ट्रेन और शिप होती है उसके आगे आर्टिकल द लगता है, द राजधानी एक्सप्रेस द पंजाब माइल द टाइटैनिक इसके आगे आर्टिकल द लगता है। और दोस्तों कंट्री में कोई एक में चीज़ होती है द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर उसके आगे भी आर्टिकल द लगता है। और ख़ास करके ध्यान रखना अगर कोई भी सेंटेंस में अगर कोई चीज़ की एक बार बात करते हैं तब उसके आगे आर्टिकल एज अ प्रोनाउंसिएशन करके हम अ और एन लिखेंगे, लेकिन वही चीज़ की बार बार बात करते हैं तब द आर्टिकल लगता है। मान लो कि आप कोई चीज़ के बारे में लिखते हो दिस इज अ पेन, ए पेन है बराबर, और इस सेंटेंस में हमने दिस इज अ पेन लिखा, ओके फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, अभी एक सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज अ पेन, ए पेन है मतलब ये पेन के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अचौकस है, कुछ हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कौन सी पेन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही पेन की बात हम फिर से करने जा रहे हैं तब लिखेंगे तो द पेन इज ऑन द दोस्तों देखो दिस इज अ पेन, पहली बार हमने यहाँ पे आर्टिकल अ लगाया, क्यों कि हम पेन के बारे में कुछ जानते हैं नहीं इसलिए यहाँ पे लिखा अ पेन, दिस इज अ पेन। लेकिन अगर उसी पेन की बात सेकंड टाइम हो रही है द पेन इज ऑन द टेबल, अगर कोई थर्ड सेंटेंस भी पेन के बारे में लिखे तो भी जितनी बार भी हो इतनी बार द लिखने का क्या
द। समझ में आया? पहली बार लिखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम अ और एन लिखेंगे, लेकिन अगर वही चीज की बात बार बार जितनी बार होती है तो द आर्टिकल लगता है। वो क्या ध्यान में रखना, अगर कोई पर्सन के बारे में भी ऐसा है, अगर कोई पर्सन के बारे में हम पक्का जानते हैं तो उसके बारे में भी आर्टिकल द लिखते हैं। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। हु इज द फर्स्ट इन द क्लास, मतलब वो जो लड़का है उसके बारे में हम पक्का जानते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल लगाया। तो अगर कोई चीज़ के बारे में पक्का जानते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल द पूरा किया दैट, तो अब हम देखेंगे उसकी ब्लैंक एफ आई बी फिल इन द ब्लैंक। तो मैं थोड़ा एग्जांपल करवाता हूँ आपको, तो बात अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड आई विल गिव सम एग्जांपल एंड आल्सो एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस। सो फर्स्ट ऑफ एफ आई बी इट मीन्स की फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, सुटेबल आर्टिकल, ए और एन और द से लिखना है। यू आर डैश स्टूडेंट, यू आर डैश स्टूडेंट, ओके। इट इज डैश यूनिवर्सिटी, ओके। थर्ड सेंटेंस, वी वेंट उंजा बाय डैश एसटी बस। डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन, आई हैव अ बुक डैश बुक इज। I am dash am a student. CH dash orange and dash apples. It is dash one way road. डैश गंगा राइजेस इन डैश हिमालयस।
ही इज डैश एवरेस्ट बॉय इन डैश क्लास. ओके फ्रेंड्स, सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस फिनिश द ब्लैंक. फर्स्ट ऑफ यू आर डैश स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है. तो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू प्रोनाउंस द नाउन, आपको ये नाउन का प्रोनाउंसिएशन करना है. यू हैव टू प्रोनाउंस दिस नाउन स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट. तो स स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, दैट्स व्हाई आर्टिकल यूनिवर्सिटी मैंने सिखाया था आपको, यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी में भी क्या आएगा, य है, तो कॉन्सोनेंट साउंड अ. वी वेंट उंजा बाय एस टी, देखो इसमें अ आया, एस टी वोवेल साउंड, एन एस टी बस. और ये अर्थ है वो तो मैंने अभी सिखाया द आर्टिकल का, ये यूनिवर्स की जो चीज है इसके आगे तो आर्टिकल द लगता है. ए बी सन बी यूनिवर्स की एक वे चीज है. आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, और वही बुक की बात हो रही मैंने अभी सिखाया था, तो क्या आएगा द बुक, क्योंकि एक बार बुक की बात हुई और इसके आगे आर्टिकल अ लगा था, लेकिन वही बात बुक की हो रही है फिर से, तो द आर्टिकल. यहाँ पे देखो आई एम एम ए स्टूडेंट, एम अ से स्टार्ट होता है इसलिए आर्टिकल एन, एन एम ए स्टूडेंट. सी हैज ऑरेंज, ऑरेंज में अ आया तो एन ऑरेंज. एंड डैश एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स प्लूरल नाउन है, दैट्स व्हाई द आर्टिकल. सिंगुलर नाउन होता है तो एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन. इट इज वन वे व कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट में अ. वन वे रोड, देखो गंगा पवित्र नदी है, रिवर के आगे द आर्टिकल. राइज इन द हिमालय, भी क्या है, माउंटेन है, तो द. ही इज क्लेवरेस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे ही इज अ क्लेवरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होती है ना, द क्लेवरेस्ट, द बिगेस्ट, द हाइएस्ट, मतलब कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं उसके आगे आर्टिकल लगता है द. और ये क्लास, ये मैंने बताया कि इन योर क्लास, क्लास के अंदर कोई भी चीज एक में हो तो उसके आगे आर्टिकल द, इन द क्लास. ओके फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इजी, ये बहुत इजी है. आई विल गिव यू एक्सरसाइज, ओके, आपको एक्सरसाइज दूंगा और आपको उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है और उसको अच्छी तरह से लिखना है, बहुत मजा आएगी. ओके, सो आई विल सेंड यू एक्सरसाइज. जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू.